सो गाइस, तो वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि सर आप कभी भी सॉन्ग प्ले करते हैं या कोई भी डीजे सेट आप प्ले कर रहे हैं उसमें आप कभी भी जो कंट्रोलर होता है उसमें आप स्टार्ट स्टॉप का बटन या क्यू बटन का यूज़ नहीं करते हैं, या आपने भी नोटिस किया होगा तब भी मैं प्ले करता हूँ तो मैं कभी भी इन बटनों का यूज़ नहीं करता। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा कि मैं किस तरह से प्ले करता हूँ, कौन सा इफेक्ट कब लगाता हूँ, मैं किस तरह से अपनी जो प्रैक्टिस है वह करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे पर आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, आपको हेल्प मिलने वाली। सो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास है प्ले और पॉज का बटन और ये है क्यू का बटन। वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। आप जैसे कि देखेंगे हम सॉन्ग प्ले करते हैं, देखिएगा आप क्या होता है। जैसे देख सकते हैं यह अभी ऑफ चल गया है, बट आप यहाँ देखेंगे तो यह फिर चल गया है, बट कभी कभी यह नहीं चलता है। जैसे देख सकते हैं आपको प्रॉब्लम आती है बार बार इसे ऑन करने ऑफ करने में। तो गाइस, कभी कभी तो यह उतर जाता है बट कभी कभी यह नहीं चलता है। जैसे देख सकते हैं यह तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यदि मैं इसे चलाता हूँ तो यह बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ही मैं यहाँ पर जो है जो मेरा यह अपना प्ले पॉज है और यहाँ पर मेरा ये क्यू बटन है इसका यूज़ नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा मैं क्या यूज़ करता हूँ। और यदि आपने मुझे डीजे सेट प्ले करते हुए अच्छे से नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा मेरा हाथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं सॉन्ग यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, वो लोड करता हूँ, तो बहुत टाइम पर ये लोड होता है। ठीक है, कभी कभी लोड होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे अभी अच्छे से हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बट ये कभी कभी इस पर प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं अनलोड करता हूँ, जैसे देख सकते हैं अभी भी लोड नहीं हो रहा है, तो यह प्रॉब्लम आती है, इस कारण भी मेरा हाथ यहाँ पर रहता है। यदि गाइस हम बात करें सेटअप की, मैं किस तरह सेटअप रखता हूँ, तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ से आउटपुट नहीं लिया, जैसे कि देख सकते हैं यह मैं मिक्सर पर ही लगा देता हूँ जहाँ से मेरे स्पीकर कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा उससे जो USB लिखती है उसे मैं लगा देता हूँ अपने लैपटॉप पर। बट आपको याद रखना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर पर। उस सॉफ्टवेयर पर आपको यह साइन दिख रहा है, आपको इसे ऑन करना है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यदि ऑडियो पर जाते हैं तो मेरा यहाँ पर इसे इस तरह से कीजिएगा, इस तरह सेटिंग रखिएगा, अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं सेटअप रखता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस तो हमने देख लिया है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस कंट्रोलर पर। इसके अलावा हमने यह देख लिया कि हम किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से प्ले करता हूं। तो जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि मेरा क्यू बटन और प्ले पॉज बटन ख़राब है, तो मैं किस तरह से प्ले करता हूँ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह मेरे हॉट क्यूज़ हैं, यह मैंने पहले डिजाइन करके रखे हुए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता कि मैंने हॉट क्यूज़ कहाँ कहाँ लगाए हैं, कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और टैग भी कर दूंगा। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने हॉट क्यूज़ यहाँ पर सेट कर लिए हैं, तो जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो यह हमारा क्या काम हुआ है, हमारा यह प्ले का काम यहाँ से हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्ले के बाद यहाँ पर पॉज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ज़्यादा प्ले होने देता हूँ, और यहाँ पॉज कभी कभी होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैं यहाँ से सुन रहा होता हूँ इसे ही मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो जिससे मुझे हेडफोन पर आवाज़ नहीं आती है और मैं दूसरे उसको सुन सकता हूँ। तो यह हमारा प्ले पॉज का काम हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते कि मैं मिक्स किस तरह से करता हूँ, मैं कब मिक्स करता हूँ। तो जैसे कि इसमें आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने हॉट क्यूज़ पहले से ही मैंने कर रखे हैं हेड, तो इससे क्या होता है मुझे पता रहता है सॉन्ग्स कहाँ पर वोकल स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर ड्रॉप आ रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग है, तो इस तरह से मुझे पता रहता है। अब जैसे मुझे मिक्स करना है तो सबसे पहले मैं टेम्पो जो रहता है वह मिला लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मुझे मिक्स कराना रहता है वहाँ पर इस तरह से दबा देता हूँ, ठीक है, और भाई बेसिक का जो हमारा 8 बीट है उस पर जाकर हम वहाँ पर मिक्स कर देते हैं कुछ इसी तरह से। तो गाइस, तो कुछ हम इसी तरह से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैं किस तरह से इफेक्ट और रिवर्ब का यूज़ करता हूँ, मैं आपको यह बता देता हूँ। तो जैसे कि गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें यहाँ पर जैसे कि यह सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, और मुझे पता है यहाँ से वोकल आ रही है, बट वोकल में लाउड कम है या वॉल्यूम कम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ रिवर्ब इफेक्ट यूज़ करता हूँ। जिससे क्या होता है, थोड़ा जो सॉन्ग है उसे भरा भरा लगता है और जो हाई पे वहाँ भी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा यदि मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि जल्दी से काटना है सॉन्ग, तो मैं क्या करता हूँ हमारा जो इको इफेक्ट है उसे यूज़ करता हूँ। यदि आपको उसको डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने पहले से एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वह एक पूरा अलग से ही इफेक्ट पर वीडियो बना हुआ है।
बट गाइस मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि मैं आने वाले डीजे सेट में आपको यह देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं यह डीजे कंट्रोलर की सर्विसिंग कराने वाला हूँ और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सर्विसिंग करा सकते हैं और आपको कहाँ पर कराना चाहिए। सो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।